न्याय चाहिए, विकास चाहिए, ओनली एजुकेशन एंड विकास। ये दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई थी, देखिए यहाँ पे कुत्ते लेट रहे हैं। केजरीवाल एक नंबर चोर, सबसे शातिर आदमी है। पहले कहते हैं मैं कुछ नहीं लूंगा, और सबसे ज्यादा बंगला, सबसे ज्यादा फ्लैट सुनने ही लिए अन्ना हजारे को केजरीवाल जी भजा के खा गया। अन्ना हजारे बहुत अच्छे आदमी थे। जो हो रहा है और जो कर रहा है, ये सरकार का विफलता है और इस सरकार का सहयोग हम नहीं करते हैं। सभी लोग जितने हैं ना, सारी गठबंधन जितने बनाए हैं, ये देश के लूटने के एक श्रृंखला तैयार किए हैं। वो पटना वाले तो अपने अपने राज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश के लिए क्या कर पाएंगे? मुसहरा भाई है, चोचे मुसहरा भाई है, सभी सब वही है। जनता से जान लेते हैं कि फ्री स्कीमें चाहिए या विकास। विकास चाहिए, विकास चाहिए, ओनली एजुकेशन एंड विकास। फ्री ये जो ये दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। तो आप ये बताइए, जब से केजरीवाल जी आए हैं, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुई है? एक पैसे की भी, एक ना एक पैसे की वृद्धि हुई। दिल्ली कैपिटल है पर इसको पूरा स्लम बना दिया। केजरीवाल कहते हैं हमको पूरे अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। केजरीवाल कहेंगे हमको मिलिट्री दे दो, केजरीवाल कहेंगे हमको आर्मी दे दो, सब कुछ उनको थोड़ी दे देंगे। जो है उसमें अधिकार की क्या जरूरत है? NCERT सब कुछ इनके हाथ में, करना चाहे कर ही रहा है, फंड आ रहा है, करना चाहे तब ना। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई थी, देखिए यहाँ पे कुत्ते लेट रहे हैं। नाम बस कमाने के लिए है, शातिर आदमी है और बेवकूफ बनाने बहुत अच्छे जानते हैं। केजरीवाल एक नंबर चोर, सबसे शातिर आदमी है। जो कहता था मैं आम आदमी हूँ, वो सबसे ज्यादा VIP फैसिलिटीज अवेल कर रहा है। पढ़ा लिखा कहाँ है? पढ़ा लिखा पढ़े होते हैं मेरे को तो उसके पढ़े लिखे, मुझे तो उसके अपन की शादी भी मुझे। हाँ नहीं नहीं, पहले कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, पहले कहते मैं कुछ नहीं लूंगा, और सबसे ज्यादा बंगला, सबसे ज्यादा फ्लैट सुनने ही लिए। अपने बाप को उम्र को धोखा दे सकता है, दिल्ली वालों को कौन नहीं दे सकता है? अपने बाप का उम्र को धोखा दे दिया उसने। अन्ना हजारे ने अपना शीर्ष महल बना लिया, लेकिन क्या दिया? अन्ना हजारे को केजरीवाल जी भजा के खा गए। अन्ना हजारे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे उस पर चले थे, उसके बाद उसको पचा गए, फिर दिया, मैंने मार दिया उनको बेचारे। कहीं दिखता है 10 साल की सरकार में पटरी वाले के लिए क्या किया? आज भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, आज भी हम लोग धक्के खा रहे हैं। अपने घर भर लिया और लोगों को बेवकूफ बनाया है। आज हम लोग नई दिल्ली के पटरी वाले उसका इनकम टैक्स NDMC वाले बराबर परेशान करते हैं, हर कर्मचारी परेशान करता है। और 30 साल दस्तक पे बैठा हूँ हनुमान मंदिर पर, कभी अस्थाई करने का सोच ही नहीं किया। इसीलिए मैं यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि सरकार कोई भी बस सेवा नहीं दी, कुछ नहीं दिया। 35 साल हो गए मैं मेहंदी लगा। अस्थाई करना इनका पहला मिशन होना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा परिवार से जुड़ा हुआ, 10 घर हमसे और भी जुड़ा हुआ है, इसका चिंता किसी को नहीं है। अपनी राजनीति की चिंता सबको पता है। यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने देखिए, जितने लगातार ये गुण गाते हैं कि उन्होंने यमुना के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, बिजली के लिए काम किया। जनता यहाँ पर है, जान लेते क्या लगता है? पटरी वाले को 10,000 रुपए लोन के लिए अलॉटमेंट किया था, बड़े बड़े अड़तियों को दे दिया और हम पटरी वालों को बेवकूफ बना दिए। सिग्नेचर करवा के फाइल जमा कर लिए, आज तक हम लोगों को लोन नहीं आया और हम लोगों को कोई अहमियत नहीं दी गया। 30-32 साल हो गए और मोदी को गाली देते हैं। जो हो रहा है और जो कर रहा है, ये सरकार का विफलता है और इस सरकार का सहयोग हम नहीं करते हैं। ये दिल्ली में लोगों को निकम्मा बनाने का काम किया है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री और दिल्ली के सारे मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का तिहाड़ जेल फ्री। जेल जाएगा, जेल अभी तो जेल जाएगा। इसकी सारी कैबिनेट आ जाता है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आप लोगों की राजनीति तो कांग्रेस और विपक्षों ने जब देश आजाद हुआ तब से किया है। मोदी जी की सुनो, धर्म की राजनीति कह रहे हैं ना ये। अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो आज ये सोनिया, राहुल, कमलनाथ ये क्या करने जा रहे हैं महाकाल में? जो कहते थे हमारे राम का अस्तित्व ही नहीं है, हमारे राम का अस्तित्व नहीं है, हमारे हमारे राम हमारे उनको पता वोट आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहे हैं तब जा रहे हैं, नहीं तो आज दिन तक साले वो तो उल्टा उल्टा इलेक्शन आते ही सबको मंदिर याद आ जाते हैं। ओ हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे अभी उनको, ऐसा जब हम मंदिर जाए तो हिंदू हमारी तरफ हो, मगर हिंदू अब उनको जान चुका है। अब विपक्ष कांग्रेस ही या आम आदमी पार्टी केजरीवाल तो एकदम एक नंबर का निकम्मा पूरे देश को बर्बाद। बोलो चोर सारे विपक्ष वाले, बिहार वाले राम के अस्तित्व पे तो वो उठाते हैं सवाल। और इफ्तार पार्टी बड़े मजे से करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।